किरण देना, सुमन देना, न धन देना। वतन वालों, मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, अना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। हम कभी मिट्टी से बगावत नहीं करते, हम कभी लाशों की तिजारत नहीं करते, हम वतन की खारित बहा देते हैं अपना रहबरों जैसी, हम सियासत नहीं करते। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, कश्मीर बोलते हैं, हर भाषा को हम दिल की गहराई से तौलते हैं। जहर कितना भी दिलों में घोल दे सियासत, यहाँ हम वो है जो गंगा के पानी से रोजा खोलते हैं। उर्दू भाषा से लबरेज शायरी के तराने हजरत जंगली शाह बाबा के महफिल खाने में गूंजे। मौका था जंगली शाह बाबा के 78वें 3 दिवसीय, उसके दौरान कुल हिंद अखिल भारतीय मुशायरे का, जो करीब रात 11 बजे शुरू हुआ व सुबह 5 बजे तक चला। इस दौरान एक से बढ़कर एक हिंदी, उर्दू व संस्कृत भाषा में शायरियों का अंदाज देखने को मिला। उर्स कमेटी के प्रवक्ता असलम रोमी ने बताया कि हजरत जंगली शाह बाबा रहमतुल्ला आलेह के मुबारक आस्ताने पर कल चादर पेश की गई, वहीं रात को 11 बजे अखिल भारतीय मुशायरा आयोजित किया गया, जिसमें राज्य भर के शायरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रात को शुरू हुए अखिल भारतीय मुशायरे में देश भर से जुटे शायर डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा मुबनी, अंजुम बाराबंकी, अनवर अमान, अजीम देवासी, अना देहलवी, कोटा से चांद शेरी, शमीम कोसर आगरा, इस्माइल नजर, आमिर मेरठ, नूर धोलपुरी, अख्तर कानपुरी जैसे कई शायरों ने अपनी मखमली आवाज के माध्यम से धार्मिक, देशभक्ति व कौमी एकता की मिसाल पेश करते हुए एक से बढ़कर एक तराने पेश किए। प्रवक्ता रोमी ने बताया कि 14 मार्च को कव्वाली कार्यक्रम के बाद कुल की रस्म के साथ उर्स का समापन किया जाएगा। इस मौके पर उर्स कमेटी के सदर हाजी जफर मोहम्मद, ठेकेदार हाजी अब्दुल अजीज जावा, नायब सदर मोहम्मद हयात खान, सूफी जहीर अहमद फारूक जावा, उप महापौर सोनू कुरैशी, जफर प्रिंटर्स जैसे लोग मौजूद रहे। जब तक जिंदा है गालिब के घराने जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां, हक अपना इस तरह से निभाती है बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां। और ये दो मिसरे आपके घर में बहन है, बेटी है, एक बेटी एक बहन का कर्म बयान करने की कोशिश की है कि कहां तक कामयाब हुआ, और अगर अगर कुछ कहने की कोशिश की है, अगर कामयाब हो गए तो आपकी दुआएं चाहिए। जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां, माँ बाप की खुशी के बड़े एहतराम से।